हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। हमारा हॉस्पिटल है जहाँ हम रिश्तेदारों के समेत पेशेंट को रखते हैं, मनोरुग्णों को रखते हैं और उनका इलाज हम करते हैं। और एक दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ रिश्तेदारों के बिना हम पेशेंट को रखते हैं। वहाँ मेंटल पेशेंट हो या व्यसन का, मतलब शराब की नशा का पेशेंट हो, उनको रखते हैं, बिना रिश्तेदारों का इलाज हम करते हैं। ये अकोला में, महाराष्ट्र में है। मैं आपको आज बताने वाला हूं कुछ लोगों को जिनको बार बार के विचार आते हैं और वो विचारों के ऊपर वो एक्शन करते हैं। कुछ लोग सिर्फ विचार आते, एक्शन नहीं करते। जैसा कि किसको विचार आते कि अपने हाथ गंदे हैं, तो वो हाथ गंदे हैं करके हाथ बार बार धो लेता है और फिर उसको अच्छा लगता है। वो बार 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 फिर विचार आएगा कि अपने हाथ गंदे हैं, फिर वो धोएगा, फिर उसको अच्छा लगेगा। फिर ऐसा वो 3 बार हाथ धोएगा और बोलेगा अभी मैंने 1 बार किया। ऐसा 3 बार करेगा, मतलब वो 9 बार हो गया। तो ऐसे विचार आते हैं। तो कोई किसको आते कि भाई टाइम पूछना कितना हो गया, भाई कितना टाइम, ऐसा वो बार बार लोगों को पूछेंगे। तो ऐसे विचार आते हैं और वो विचारों के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया नहीं तो उनको प्रॉब्लम होता है कि नहीं कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएंगे, अपन मर जाएंगे या कोई मर जाएगा घर का व्यक्ति। अभी इसमें कुछ ऐसे विचार है जो बहुत ही खतरनाक है। एक तरह से खतरनाक मतलब ऐसा कि उनको जीना, जीवन जीना ही मुश्किल हो जाता है, ऐसे विचार आते हैं। मगर उसके ऊपर वो एक्शन नहीं करते, सिर्फ विचार है, ऑब्सेशन है। और सब तरह के पेशेंट आते हैं, मतलब बड़े, बहुत बड़े पढ़ाई किए लोग हैं, हायर एजुकेशन, जिन्होंने PhD किया है, डॉक्टरेट की हुई है, डॉक्टर्स है, वकील है, इंजीनियर है, मॉम्स है, लेडीज है, प्लेयर्स है। एक अभी जो मेरे पास में व्यक्ति आया था, उनको ये था कि बार बार उनको आते विचार कि अपन विष्ठा खाएंगे, लोगों की स्टूल्स, टॉयलेट खाएंगे या पेशाब पिएंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि अपन अपन पी लेंगे, या उसको लगता है कि अपन उल्टी करेंगे और उल्टी करके अपन वो उल्टी खा लेंगे। विचार आते, बाकी करता कुछ भी नहीं, बहुत परेशान। फिर उसमें सिर भारी हो जाना, बहुत ज़्यादा सिर दर्द करना, सिर भारी हो जाना, फिर एक ही जगह बैठे रहना, कोई काम नहीं करना। उसको ये भी विचार आते हैं कि उसकी जो माँ है, सगी माँ है, घर में रहता है वो माँ के साथ में, तो माँ के साथ में सेक्स करूँ, ऐसे भी विचार आते हैं। और वो माँ के चेस्ट की तरफ देखेगा और उसको बुरे बुरे विचार आते, बोलता मैं माँ के साथ में कैसा कर सकता हूँ, ऐसा संभव ही नहीं है। मगर विचार तो मैं क्या करूँ, बार बार विचार आएंगे उसको। अभी घर में रहना मुश्किल, वो माँ से दूर दूर भागता है, माँ से बोलता भी नहीं कि ऐसा विचार आ रहा है। माँ को ये समझ में नहीं आता कि दूर क्यों जा रहा है, ये मिलता क्यों नहीं, बातचीत क्यों नहीं करता है। वो बोलता मैं अलग रहता हूँ, क्योंकि विचार ऐसे आते रहते घर। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इसमें कौन से विचार आएंगे, अभी एक औरत है, उसका 6 महीने का बच्चा है, लड़का है, बहुत दिनों के बाद में शादी के, बहुत दिनों में लड़का हुआ, उसको पहले से विचार थोड़े थोड़े आते रहते थे। उसको विचार आते हैं कि वो बच्चे का गला दबा के उसका खून कर डालू। उसको मालूम है कि मैं खून करने वाली नहीं हूँ, वो कभी उसने गला दबाया भी नहीं है, और बार बार विचार आते हैं। उसको डर लगता है कि कभी मैंने ऐसा कर दिया तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अपना ब्रेन जो है वो एक ऑटोमेटिक मशीनरी है, और वो ऑटोमेटिक मशीनरी में विचार आना शुरू हो जाता है। उसको जो इनहिबिटरी सिस्टम है ब्रेन की, जहाँ से वो विचारों का इनहिबिशन, मतलब विचार नहीं आना उसके लिए, वो सप्रेस किए जाते विचार, वो सप्रेस करने वाली सिस्टम जो है, उसको प्रोहिबिट, इनहिबिट करने वाली, वो निकल गई। अब वो निकल गई सिस्टम से विचार आना चालू हो जाते, मतलब उसको कंट्रोल करने वाली सिस्टम जो है दूसरी, वो कंट्रोल करने वाली सिस्टम है नहीं, और फिर ये विचार बेछूट चालू हो जाते हैं। 5-5 साल, 7-7 साल, 8-8 साल, मतलब वो तो कोई लोग ऐसे बोलते कि भाई मुझे मेरे पैर नहीं रहते तो चलता था, कम से कम मालूम रहता था कि भाई मेरे पैर नहीं है, मैं अपंग हूँ, मैं और जीवन बिता रहा हूँ। अभी मैं सब हट्टा कट्टा हूँ, सबको बाहर से अच्छा दिखता हूँ, लोग मेरे को बोलते काम मत, काम नहीं करना, काम क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे से काम होता नहीं है। लोग बोलते भुगड़ में बैठ के खा रहा है, लोगों को क्या बताऊँ कि मेरे को ये विचार आ रहा है। इसमें अभी अलग अलग थियरीज है, जैसा सेरोटोनिन डिफिशियंसी ब्रेन में हो सकती है, एक केमिकल है, वो सेरोटोनिन डिफिशियंसी ब्रेन में होने से ऐसी बीमारी होती है, ऐसा कहा जाता है, पक्का नहीं। तो सेरोटोनिन देना, या फिर कुछ प्रकार के जो नॉरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन,
ऐसे जो है दवाई, तो वो उनके लेवल जो है वो कम होते हैं, तो वो बढ़ने की दवाइयां हैं तो वो भी देते हैं। कोई कुछ लोगों को साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, सम्मोहन उपचार है, तो ऐसे अलग 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 उपचार करके, और साइकोथेरेपी मानसोपचार है, सम्मोहन उपचार है कि जिससे ये बीमारी अच्छी हो सकती है। आज कितने सारे लोग हैं, मतलब 1000 में ऐसे 1000 पॉपुलेशन के पीछे एक या दो लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनको ये प्रॉब्लम है, और वो हमारे कुछ काम के काम में आते हैं, ना उनके जीवन में काम किया ना हमारे जीवन में काम किया। उनको यदि हम अच्छा करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ी जो मैन पावर है, मैन आवर्स जो लॉस हो रहे वो नहीं होगा। आपके परिवार के लोग होंगे, आपके आसपास के लोग होंगे, पहचान के लोग होंगे, जरूर वीडियो उनको शेयर कीजिएगा कि ये बार बार विचार आने की या बार बार खुद ही करने की बीमारी है, और वो बीमारी से आप अच्छे हो सकते हैं। एकदम ज़्यादा जो केसेस है, बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस, तो उसमें हमने शॉक ट्रीटमेंट देके भी ट्राई किया हुआ है और उससे लोगों को फायदा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस ये ऑब्सेसिव थॉट्स है, उनको ब्रेन की सर्जरी भी करते हैं, साइको सर्जरी, उससे भी कुछ लोगों को फायदा होता है। तो लोगों का जीवन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए हम खड़े हैं। और आप भी ये जो वीडियो है लोगों को शेयर करो, आपके फेसबुक ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, सबको जानकारी दो, ताकि लोग अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकेंगे। और हमारा जो मिशन है कि भाई एडिक्शन फ्री इंडिया, व्यसन मुक्त भारत और सशक्त भारत, हर एक को मानसिक स्वास्थ्य, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।